बताइए सर। जेंसा लगे हुए हैं, जेंसा टेक्नोलॉजीज में। जी और दीपांशु ने परसों पूछा भी था जेंसा टेक्नोलॉजीज के लिए, और जैसे ही जेंसर का नाम आता है तो जेंसा का नाम आ जाता है। तो जेंसा टेक्नोलॉजीज एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और काफी नीचे के लेवल से स्टॉक को दिया और वहां से 3x 4x हो चुका, और अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। आईटी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी बढ़िया करेंगे, और इसके भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। देख रहा था डीआईआईज ने इस बार जून क्वार्टर में जो अपडेट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो उसमें भी डीआईआईज ने बढ़ाया है। कंपनी 2024 मार्च में हाईएस्ट टॉप लाइन हाईएस्ट बॉटम लाइन पे बैठी हुई है। सो मतलब जून, अगर ट्रेलिंग जून के हिसाब से देखें 12 महीने में, तो 5,000 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन और 670 करोड़ के लगभग का बॉटम लाइन, अच्छे खासे मार्जिन पे काम कर रही है, अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 25-26%। सो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी, आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, तो पेडिग्री भी स्ट्रांग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डिविडेंड यील्ड बढ़िया, और सेल्स की कैगर, प्रॉफिट की कैगर बहुत बढ़िया रही है। सेल्स की कैगर आप देख लीजिए, करीब 26% के लगभग प्रॉफिट की कैगर रही है। सो दैट इज इम्प्रेसिव, और कंपनी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक अभी भी काफी स्टीम लेफ्ट है, और 840 के हाइज बनाने के बाद अभी थोड़ा नीचे है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 950 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। जेंसार टेक्नोलॉजी, यह है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए राय खरीदारी की आती हुई दिख रही है। जेंसार की तरफ से ये स्टॉक है, आप अपने रडार पर